मेरे घर में हम चार लोग, मम्मी पापा दीदी और मैं। एक दिन, आज के 10 साल पहले चलते हैं, सो एक दिन पता चलता है हमें ग्वालियर में जब हम किराए पर रह रहे थे कि मेरे फादर मिसिंग हैं। सर्चिंग चालू हुई फादर की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हम लोग जिस आश्रम से जुड़े हुए थे वहाँ पे भी बताया, वहाँ भी सर्चिंग चालू हुई, कुछ पता नहीं चला। सो बैक टू पवेलियन, घर बैठे और मैं, दीदी और मम्मी। तब हमारे अकाउंट्स भी नहीं थे, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। काश तब जनधन योजना चली होती, नहीं तब कम से कम अकाउंट तो खुल जाते। नहीं थे हमारे पूरे घर में, जब हमने सारे रुपए इकट्ठे किए थे तो सिर्फ 2000 थे। तो ग्वालियर शहर में जहाँ हम किराए से रह रहे हैं, 3 महीने का किराया देना बाकी है। आप छोटी सी जगह पे काम कर रहे हैं और आपके पूरे घर में सिर्फ 2000 रुपये हैं। अब आप सोच लो कि आपके पास रास्ते क्या हैं। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, मेरे पास सिर्फ ट्रक के सामने आओ या फिर ट्रेन के ट्रैक पे आओ। और ये सोच ही रहा था मैं कि रात के 11 बजे के आसपास दीदी एक पेपर पेन लेके पहुंची मेरे पास और बोले, अच्छा अगर अपने पास इतने रुपए हैं। और उसी वक्त हमारे एक दूर के मामा जी भी आए, उन्होंने कहा कि सम अमाउंट 10,000 रुपये मैं आपको देता हूं, अगले महीने मैं नहीं दे पाऊंगा और उसके अगले महीने कोई और भी नहीं दे पाएगा। तो ये 10 और 2, 12,000 रुपये आप जैसे खर्च करोगे बहुत कुछ डिसाइड कर देंगे कि आप लाइफ में क्या करोगे। सबसे पहले हमने मकान मालिक का काम निपटाया। और ऐसा भी होता है कि जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तो ऊपर वाला और थोड़ा टफ टेस्ट लेता है और थोड़ी मुसीबतें लेता है। मकान मालिक ने 3 महीने का बिजली बिल एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। आप कहें कैस को जोड़ देता है, हमारे यहाँ मकान मालिक ने जोड़ दिया था। तो उससे जैसे तैसे हम आगे बढ़े। वैसे आप मरने वाली बात भूल गए ना? हाँ, ऐसे ही मैं भूल गया था। जब दीदी ने वो हिसाब जुड़ाया ना, बिल्कुल ऐसे ही मैं मरने वाली बात भूल गया। और उसके बाद हम आगे बढ़े। दीदी की टैली में जॉब थी, उनकी अकाउंट में जॉब थी, टैली किया हुआ था उन्होंने, तो 3,000 रुपये के आसपास उनको मिलते थे। मुझे थोड़े कम मिलते थे और उससे भी ज़्यादा वो काट लिया करते थे लेट आने पर। तो काम करते रहे। थोड़े दिन के बाद मुझे एक ऑफर आया, रेडियो में ही था मैं, और मुझे एक और रेडियो का ऑफर आया जो मैंने एक्सेप्ट किया और मैं पहुंचा रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, आप जानते होंगे खूब। सो वहां पे मैंने काम करना शुरू किया। फर्स्ट ईयर मुझे इवनिंग शो होस्ट करने को कहा गया था। फर्स्ट ईयर मैंने बेस्ट इवनिंग जॉक गोल्ड अवार्ड जीता फर्स्ट ईयर में। मुझे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमर पर फोकस करना था, फनी चीजों पर, फनी स्टोरीज लानी थी। मेरे बॉस, दो बातें जो मुझे याद हैं उस पहली साल की, वो ये हैं कि एक ये कहा था किसी ने कि अगर जिसकी नज़र रणवीर सिंह पे पड़ी, अगर एनर्जी के मामले में तुम पे पड़ती तो शायद तुम भी कहीं होते। दूसरी मेरे बॉस ने कहा था कि जिस सिचुएशन में वो इवनिंग शो और थोड़ा फनी कॉन्टेंट ला रहा है वो कमाल है। दूसरे साल अगेन बेस्ट इवनिंग जॉक गोल्ड फिर से जीता। और तीसरे साल जीतने से पहले मैं कानपुर आ गया। दो ही बातें लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, पहला है कर्मा और दूसरी है फैमिली। अगर आप फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और कर्मा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। सो फोकस कर लो और काम करो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज राघव। रेडियो में सिर्फ 10 साल हुए, अभी तो बहुत से झंडे गाड़ना बाकी है।